CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है ये कार्यक्रम कक्षा एक के छात्रों के लिए कार्यक्रम मदारी। मोहिनी राव द्वारा लिखित इस आलेख को प्रस्तुत कर रहे हैं अजीत गुप्ता। दोस्तों जय हिंद। वो देखो आ रहा है मदारी। दोस्तों जोर से ताली बजाओ। और जोर से। बच्चों के खेल, बच्चों के खेल, खेल 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 सच्चे बच्चों के खेल। लालू के, भालू के, सिकंदर के, बंदर के, शेर के, बकरी के खेल देखो खेल। राजा के, रानी के, नानू की नानी के, काने की कानी के खेल देखो खेल। मदारी भैया, कल आपने गधे की सवारी को जादू से घोड़े की सवारी बना दिया था ना? तो बिटिया, तुम चाहती हो कि मैं घोड़े को हाथी बना दूं? नहीं नहीं, तुमने तो कहा था कि आज सोने के अंडे देने वाली मुर्गी की कहानी सुनाऊंगा। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गया था, याद आया। तुमने कहा था ना कि तुम मेरी पिटारी ले लोगी और जी भर कर किस्से, कहानियाँ और गीत सुनोगी। तो अब इसी बात पर सोने के अंडे देने वाली मुर्गी की कहानी सुनो। एक आदमी के पास एक मुर्गी थी, बड़ी ही सुंदर मुर्गी। सवेरे सवेरे उसकी कुकड़ों को सुनते ही वो आदमी बिस्तर छोड़कर उठ जाता। वही क्या, सारे घर वाले उठ जाते। वो मुंह हाथ धोकर सबसे पहले मुर्गी के पास जाता। मुर्गी रोज सवेरे एक अंडा दिया करती थी। एक अंडा बस? हाँ, ये मुर्गी बस एक ही अंडा देती थी। लेकिन वो अंडा ऐसा वैसा नहीं होता था, मामूली नहीं होता था। वो होता था सोने का अंडा। लेकिन वो सोने का अंडा खाता कैसे था? अरे उसका नाम तो बताया ही नहीं तुमने। किसका नाम? मुर्गी का? नहीं, उस आदमी का। उस आदमी का नाम था रामलाल। क्या था? रामलाल। रामलाल सोने के अंडे को उठा लेता और उसको बेचकर घर के लिए खाने पीने का सामान, कपड़े और जो कुछ चाहता खरीदता। सब कुछ खरीदने के बाद भी उसके पास बहुत से रुपए बच रहते। तुम्हें मालूम है ना, सोना बहुत कीमती होता है। सो तो मालूम है भैया, मेरी अम्मा सोने की सारी गहने बक्से में रखती है, इतना मोटा ताला लगा कर। सोचो जरा, जिसको रोज
एक सोने का अंडा मुफ्त में मिल जाता हो वो कितना अमीर होगा, है ना? धीरे धीरे रामलाल बहुत मालदार हो गया। उसकी मूर्ति को कोई चुरा लेता तो? आई? अरे कैसे चुरा लेता? रामलाल उसको बड़े जतन से रखता था, उसकी खूब रखवाली करता था। पर एक दिन रामलाल के मन में एक बात आई। उसने सोचा, ये मुर्गी रोज एक अंडा देती है, इससे मेरी अमीरी बढ़ने में बहुत समय लग रहा है, न जाने कब तक मैं बहुत अमीर बनूंगा, कब तक इतना रुपया हो पाएगा कि मैं अपने लिए एक बड़ा सा घर बनाऊंगा, हाथी घोड़े खरीदूंगा, और भी तो बहुत सी चीजें खरीदनी हैं। क्यों ना मुर्गी के पेट से सारे अंडे एक साथ ही निकाल लूं। बस रामलाल ने एक छुरी ली और मुर्गी के आय हाय बेचारी मुर्गी। रामलाल ने मुर्गी को पकड़ा और उसका पेट काट दिया। मूर्ख रामलाल, सोचता था कि मुर्गी के पेट में ढेरों सोने के अंडे होंगे और वो सारे अंडे एक साथ निकाल लेगा और सबको बेचकर एक साथ ढेरों रुपए कमाकर खूब अमीर हो जाएगा। तो मुर्गी के पेट में अंडे नहीं थे? अरे बिटिया रानी, मुर्गी के पेट में तो रोज के रोज एक अंडा बनता था और रोज ही वो अंडा निकाल देती थी। उसके पेट में अंडे भरे थोड़े ही रहते हैं। फिर उसने क्या किया? रोया? उसने देखा कि मुर्गी के पेट में तो कुछ भी नहीं है। फिर तो उसे बहुत दुख हुआ। अब मुर्गी भी मर गई थी, रोज जो एक अंडा मिलता था वो भी गया। रामलाल अपने किए पर, अपने लालच और बेवकूफी पर बहुत पछताया। लेकिन अब क्या हो सकता था? फिर तो रामलाल को मेहनत मजदूरी करनी पड़ी होगी। और क्या, अब तो रामलाल को मेहनत मजदूरी करनी पड़ी। अमीर होने का उसका सपना खत्म हो गया। अरे तभी तो मैं कहता था कि ज्यादा कहानियों के लालच में पिटारी मत उठा लेना। इसमें से कहानी सिर्फ मैं ही निकाल सकता हूँ, जो चाहूँ वो। मैंने भी तो गीत निकाले थे ना, तुमने कहा था ना आंखें बंद करके पिटारी में हाथ डालकर गीत निकालो। हाँ वो तो मैं आज भी कहूँगा, लेकिन गीत तभी निकलेगा जब मैं साथ रहूंगा, जब मैं मंत्र पढ़ूंगा। तो पढ़ो मंत्र। पढ़ू? चीपड़ाक डमडम अंतर मंत्र जंतर संतर काम करंतर नाम धरंतर चीफू डम। Yeah, me.
अच्छा तो बिटिया रानी, अब मैं चलता हूं। कल नई कहानी लेकर फिर आऊंगा इसी वक्त यहीं। कल फिर मिलेंगे। अच्छा तो अब राम राम। राम राम मदारी भैया। भाई वाह दोस्तों, मजा आया ना आज की कहानी में? और भाई गीत कैसा लगा तुम्हें? लेकिन दोस्तों, क्या तुम्हें कहानियां याद रहती हैं? नहीं याद रहती? रहती हैं। अगर याद रहती हैं तो दोस्तों तुम वही कहानियां अपने घर पर सुनाना। तो दोस्तों जोर से कहो जय हिंद। प्रस्तुति CIET NCERT नई दिल्ली भारत।